ये देखिए दोस्तों, आपकी भी इस तरीके से आग लगती है, तो आप इस तरीके से ये देखिए कितनी तेज़ी से आग बटन के पास आग लग रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा दोस्तों। आज हम आपको इस चूल्हे के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इस चूल्हे में जो ये बटन के पास से लीकेज होती है इस तरीके से, यहाँ से वो उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को आप देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ये यहाँ से लीकेज होती है तो आप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये चूल्हा यहाँ से काला भी हो रहा है, यहाँ पे बटन के पास से इसके पास से आग लग जाती है इसमें। और ये देखिए, ये चूल्हा काला नहीं है, तो यानी कि इस चूल्हे में यहाँ से आग लगती है बटन के पास से। तो इसमें हम बताएंगे आप इस तरीके की लीकेज जो है इस तरीके से चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई रुपये पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो गैस चूल्हे ठीक करने वाले जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं कि साहब हमें 50 रुपये 100 रुपये ले लेते हैं, और इसमें कोई लागत का काम नहीं होता, इसमें कोई सामान भी नहीं पड़ता, बस हमें वो थोड़ा सा काम करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से ये काम करना है। तो आप इस तरीके की लीकेज जो बटन के पास से लीकेज है, या आपका इस तरीके का, ये देखिए हमारा ये बटन, ये देखिए जाम हो रहा है, ये देखिए ये जाम हो रहा है, ये वाला लीकेज कर रहा है, दोनों दिखाएंगे हम आपको किस तरीके से ये जाम दूर कर सकते हैं आप। ये जाम बटन जो है और ये लीकेज, दोनों ही जो प्रॉब्लम होती है वो सेम होती है, एक काम से ही दोनों जो सेम प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस चूल्हे को स्टार्ट करने से पहले हमें सावधानी काफ़ी बरतनी है, क्योंकि इस तरीके से खुले मैदान में और ये उसमें बंद कमरे में ये यूज नहीं करना है, खुले में ही हमेशा चेक करना है और खुले में ही संभालना है इस तरीके से हम खुले में, क्योंकि खुले में कोई भी आग नहीं लगती है। तो हम इसे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहाँ से लीकेज है हमारी, इस तरीके से हम माचिस से चेक कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आपकी भी इस तरीके से आग लगती है, तो आप इस तरीके से ये देखिए कितनी तेज़ी से आग बटन के पास से आग लग रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, पहले तो हम इस तरीके से यहाँ से बंद कर देंगे। बंद होने के बाद में इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी की बरतने की ज़रूरत है, अगर इस तरीके से आपको बटन के पास से इस तरीके से आग लग रही हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ से बटन के पास से बंद कर देनी है, तब हम इसे छुएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, उसके बाद में हम इसे ठीक करके आपको बताएंगे। अब साथियों, इस तरीके की लीकेज को हमें किस तरीके से ठीक करेंगे, या तुम्हारी इस तरीके की लीकेज हो और या साथियों आपका जो बटन है वो जाम हो, तो हम दोनों तरह की जो प्रॉब्लम है वो एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें इस तरीके से चूल्हे को कर लेंगे उल्टा, और आपके पास में इस तरीके का पेचकस होना चाहिए, इस तरीके का एक पेचकस हो, और उस पेचकस से इसका ये नट होता है यहाँ पर, ये देखिए साथियों एक इस तरीके का पेच निकलेगा हमारे पास से, और ये कोक में से ये एक स्प्रिंग और ये स्पेंडल, और उसके बाद में ये देखिए इस तरीके का ये स्पेंडल अंदर से निकलेंगे, ये सामान हमारा निकलेगा, ये वाला सामान ये देखिए। तो अगर आप दुकानदार हैं, थोक दुकानदार हैं, तो ये पेच कभी कभी ढीला हो जाता है, वैसे तो ये थोक में 1 रुपये का मिलता है, अगर आप रिटेल में अगर लेंगे तो ये 5 रुपये का एक पेच पड़ेगा, तो 5 रुपये का एक पेच लाकर और ये स्प्रिंग लाकर इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर ये लीकेज हो रहा है हमारा, तो इस तरीके का ये जो है इसमें इस तरीके के सूती कपड़े से हमें इस तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से, और साफ़ करने के बाद में चाहे हम ये वाला ग्रीस भी यूज कर सकते हैं, जो सादा वाला ग्रीस है, अगर आपके पास में ये ग्रीस है तो ये ग्रीस यूज कर लीजिए, कोई भी बात नहीं है। और सबसे वैसे अगर अच्छा रहेगा तो ये आप ये वाला ग्रीस यूज करिए, ये वाला, ये डिब्बी 20 रुपये की आती है, क्योंकि अगर आप इस ग्रीस को यूज करेंगे तो ये जो होता है ये इसी के मतलब से बनाया गया होता है, ये कोक वाली नोजल के लिए इसके मतलब से। वैसे ये ग्रीस यूज़ करने के बाद 2-4 महीने चलने के बाद में आपकी जो लीकेज है वो दोबारा होनी चालू हो जाए, इसलिए आप इस तरीके का ग्रीस का यूज करिए। जो और जो गैस की जो दुकान होती है ये थोक वाली, उस पर ये ग्रीस मिल जाएगा 20 रुपये का मात्र, तो आप इस तरीके के ग्रीस की डिब्बी ला सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें लगा दें, ये देखिए अच्छे से लगाने के बाद में ये लगा देंगे इस तरीके से, और लगाने के बाद ये जो स्पेंडल है और स्प्रिंग है और पेच, इसे बोलते हैं कोक पेच, कोक पेच कभी कभी लोगों का ढीला हो जाता है, निकल जाता है,
तो ये कॉकरोच इसमें लगा देना है। देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, और इसे लगा के लगा देना, ये पेच लगा देंगे हम इस तरीके से, इसे हम कर देंगे अच्छे तरीके से टाइट। ये देखिए ये हो गया टाइट, और इसे दो चार बार इस तरीके से हमें, जिससे ये ग्रीस जो हमने जो लगाया है वो चारों तरफ फैल जाए, दोबारा लीकेज यहाँ से नहीं हो। ये फिट हो गया हमारा। अब ये वाला जो जाम वाला जो है वो कैसे ठीक करेंगे, ये इससे भी ज़्यादा आसान है। इसे सबसे पहले इस तरीके से हम खोल लेंगे, यही वाला स्पैंडल में जो पेच लगा हुआ होता है वो हम खोल लेंगे इस तरीके से, ये खुल जाएगा। और ये स्पैंडल और ये पेच और ये निकल जाएंगे बाहर, ये आ जाइए बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये जाम क्यों होता है, क्योंकि जो हमने जिसका जो ग्रीस जिसमें लगा हुआ था वो सूख गया है, और सूखने की वजह से ये थोड़ा सा टाइट घूमने लगता है, और टाइट घूमने पर थोड़ा दिन तो ये टाइट घूमता है, टाइट घूमने के बाद में ये चिपक जाता है, तो इससे ये जाम हो जाता है। अब या तो आपको इस तरीके का सूती कपड़े ले लेना है, या आप डीजल में इस तरीके से धो भी सकते हैं इसे, जिससे और ज़्यादा भी साफ हो जाएगा। और इसके बाद में हम यही वाला ग्रीस इसमें लगा देंगे जो हमने इसमें लगाया, इस तरीके से ग्रीस लगाते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक इसमें इस तरीके का एक छेद होता है, वो छेद बंद ना हो, बस ये खोल दें, फिर उसके बाद में इसे लगा दें, बस ये इतना काम इसमें करना है, और इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता। ये वो टाइट कर देंगे हम इसे, टाइट करने के बाद में इसे दो चार बार इस तरीके से घुमा देंगे, पहले से देखिए ये देखिए कितना मुलायम घूम गया है। जो बटन पहले कितना टाइट घूम रहा था अब ये देख सकते हैं मुलायम घूमने लगा, ये भी हमारा मुलायम घूमने लगा। हम इन दोनों को चेक करेंगे दोस्तों। अब हमने इसकी भी प्रॉब्लम दूर कर दी है और इसकी भी प्रॉब्लम दूर कर दी है, दोनों जो ये जाम था ये इसमें आग लग रही थी, ये दोनों ही हमने ठीक कर दिए। अब हम इसे चेक करने वाले हैं, ये देखिए और देखिए हम इस तरीके से लगा के दिखा देते हैं दोनों तरफ, ये देखिए ये बटन के पास से दोनों ठीक हो चुके हैं, और ये हमने दोनों ही ठीक कर दिए, और इस तरीके से आप भी इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। और साथियों हमने इसमें कोई आपके सामने कोई रुपये पैसे इसमें नहीं लगाए हैं, मात्र 20 रुपये की ग्रीस की डिब्बी जो है वो ला सकते हैं आप, और उसके बाद में इसमें लगाने के बाद में थोड़ा सा ही ग्रीस लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, कि 20 रुपये का एक बार में लगता है, 10-15 चूल्हों में कम से कम एक डिब्बी काम में आ जाती है। तो इस तरीके से आप ला सकते हैं और अपने घर पर ही जो ठीक कर सकते हैं, और इसकी लो भी देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक है, इसलिए उजाले में इसलिए दिख नहीं रही है, काफ़ी अच्छी लो है इसकी, तेज भी चल रहा है ये चूल्हा, तो ये ठीक हो चुका है दोस्तों। तो आप बता सकते हैं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कोई इस तरह चूल्हे से संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, और आगे भी इस तरीके से जो भी जानकारी होगी वो हम अपना साझा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।